फिटे फिटे तेजगाम ऐसे गोली की तरह आनी चाहिए बॉल। ओए ओ जुनेद तू रेस्ट कर, उस्मान तू गिरा। ओए ओवर द विकेट गिराना यार। सर हाँ सर, वो चेक जो आपने दिया था वो अभी तक कैश नहीं हुआ है, पूछना था कब तक क्लियर हो जाएगा। कितने का चेक? 26,000 का सर। ये पता है ना टूर्नामेंट शुरू होने वाला है? जी सर। सारे टीवी चैनलों पे आएंगे मैच। शाहीन 11 का अटैकिंग बॉलर है तू, हर कैमरे पे तेरा बूथा होगा, सारी दुनिया तुझे देखेगी, और तुझे यहाँ अपने 26,000 रुपए के चेक की पड़ी है। सर अब्बू की तरफ से बहुत प्रेशर है, पैसे ना मिले तो टीम से उठा के बाद में बात करते हैं, अभी जाके प्रैक्टिस कर। ओ चल जाके प्रैक्टिस कर लेना पुत्र, बाद में कर लेंगे बात। चल और रिजर्व। हाँ तू इधर आ यार, लेसेस खुल गए हैं। ओए बारवे, ओए जी सर। बड़ा गुस्सा है तेरे में? सर वो मजाक था। टीम पता है क्या होती, जब 11 लौंडे अपना रंग नस्ल भुला के एक झंडे एक लोगों के लिए खेलते हैं ना, उसे टीम कहते हैं। एक ग्राउंड में अगर किसी का बूथा जहर भी लगे ना तो उसे गले लगाना पड़ता है, जिसका जो काम है वो उसको करना पड़ेगा। टीम बनना सीखो। प्राइवेट में उधर ड्रेसिंग रूम के अंदर जिसने जिसकी जितनी लेनी होती है ना ले लिया करो खुल के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे ग्राउंड में मुझे किसी के मत्थे पे त्योरी नजर ना आए या किसी की चूचा मेरे कान में पड़ी, मैं तीनों विकेट उखाड़ के घुसा दूंगा तेरे। चल बूथा सीधा कर और दांत दिखा, स्माइल कर। चल ये सर। चल जा। और रिजर्व पानी। अब्बू अब कहाँ जा रहे हैं? उस निकम्मे की वजह से बैंक से जलील होके निकला हूं मैं। क्या हुआ, चेक क्लियर नहीं हुआ? अरे पुत्र चेक तो क्लियर हुआ नहीं, पर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है। अब जा रहा हूं उसको कान से पकड़ के फैटी लगाते हुए ले आके दुकान पे बिठाऊंगा, भूल जाएगी उसे क्रिकेट। हाँ बुआ बंद कर ले।
जुनेद को देखा किसी ने? यहीं कहीं था अभी। हाँ ना, यहीं पे था। मिल नहीं रहे यार मुझे, उससे मैंने बात करनी थी मैच के बारे में। वो अब नहीं मिलने वाला। क्या मतलब है नहीं मिलने वाला? टीम छोड़ के चला गया वो। जुनेद क्यों टीम छोड़ के जाता? इसी आरामी से पूछते हैं। यही चाहता था कि वो निकले और इसकी टीम में खेलने की जगह बने। बता कुत्ते, वरना नंगा करके मैं तुझे स्टेडियम में नचवाऊंगा। तू नंगा करके नचवाएगा? मैंने नंगा किया ना तो खाली चक्कर नहीं लगाऊंगा मैं। कमांड फोड़ दूंगा। अकबर किधर है वो? उसके पैसे जो नहीं मिले उसे पे उठा के लेके चलाएंगे उसे दुकान पे बिठाने। मुझे पता चल चुका है। बढ़ गए यार, मैच इस तरह खेलना है? एक ही हल है, जाके कोच से बात करते हैं। और क्या, कोच से बात करते हैं? कोच ने मेरी ले लेनी है यार। बॉयज एक्सक्यूज मी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी मंगवाता हूँ, हम उसके घर चलते हैं और उसको ले आते हैं। सिंपल एज दैट। वो तो ठीक है, लेकिन उसका घर कहाँ पे है यार? इसी कुत्ते के मोहल्ले में रहता था। इसे से यार, यार छोड़ो यार, इजी हो जा। जज्बाती ना हुआ कर ज्यादा। अच्छी भली चल रही है अब्बा की दुकान। पता नहीं मुझे बिठा के उन्हें क्या मिल जाना है। तुम्हें तो पता ही है अबू का 26,000। अभी तक उन्हें यह समझ नहीं आई है कि 26,000 के लिए नहीं खेल रहा हूं, किसी की नजरों में आऊं इसलिए खेल रहा हूं। इसी टीम से, इसी लीग से लड़के जाते हैं नेशनल टीम में। तुम भी तो पागल हो। अब्बू ने कहा साथ चलो और तुम चल दिए। अरे उनसे कह देते कि शेख साहब आप अपनी दुकानदारी संभालें और मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। अच्छा, अब्बा के सामने हमारी एक नहीं चलती है? मेरी तो चलती है। मैं अब्बू से बात करूंगी। तुम लोग इधर ही रुको, फोन करना मैं उसे। चाना जब से आए हो यूं सड़ा हुआ मुंह बनाया हुआ है। तुम भी अकबर? हाँ भाई, नीचे आ, दरवाजा खोल। नीचे खड़े हैं हम लोग। क्यों खड़ा है नीचे? यार तू दरवाजा खोलना है, बाद में करते हैं बात। चल आ जाओ ऊपर, जाओ अंदर। जुनेद तू किस तरह टीम छोड़कर आ गया है? टीम का नहीं, अपना तो सोच, अपने फ्यूचर का सोच यार। फ्यूचर? कौन सा फ्यूचर? कितने ही लड़के हमारी तरह अपने ख्वाबों के साथ आते हैं और अपनी लाइफ बर्बाद करते हैं इस खेल के पीछे। तुम लोग जाओ, मैंने नहीं आना। जुनेद तो हमारी टीम का मेन बॉलर है यार, अटैकिंग बॉलर है। जुनेद तेरे बगैर हमारा जीतना बहुत मुश्किल है। सॉरी यार, वह शाहीन से जब ना मिले उसका वेट हो सकता है, लेकिन जब कोच का चेक भी कैश ना हो रहा हो तो घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा? तो बात सिर्फ पैसों की है? और नहीं तो क्या, वरना क्यों आके अब्बा की दुकान में बैठना पड़ता? तो फिर ये ले,
ये क्या है? 26,000 रुपये तेरे लिए लाए। अपने अब्बू को जाके दे दे, वो भी खुश हो जाएंगे, आखिर बेटे की पहली कमाई है। ले ले। Now go, pack your bags. जाना। थैंक्स यार, इतना कमीना है तू। यार भी कह रहा साथ, थैंक्स भी कह रहा है। जब तेरा चेक क्लियर हो जाएगा ना तो मुझे दे देना वापस। अब जाके तैयार हो, हम तेरा नीचे वेट कर रहे हैं, ठीक है? Let's go boys. तो खुश हो ना, जाओ जाकर अपने ख्वाब पूरे करो। जाओ, मैं बैग रेडी करा, अभी लेके आता। क्वेश्चन सक्सेसफुल बॉयज। यस, चलो लेट्स गो। यार तुम लोग चलो, मैं जरा थोड़ी देर से बात कर। क्या मतलब यार? यार हाजे भाई, इतनी देर बाद आया हूँ, घर का चक्कर ही लगा लूँ, पर टूर्नामेंट शुरू हो जाना, पता नहीं कब मौका मिलना है। चल यार, कोच ने तेरी फाड़ देनी है भाई। तो खैर थोड़ी देर तू चल हमारे साथ, वैसे भी अगर तू ना आया तो मुझे पानी कौन पिलाएगा? अभी तो पानी एक और बोल, तेरे अंदर पाइप को सीट देने भाई। यार ये का पानी जहां प्रदेश मुंह से फिर लड़ाई करना शुरू हो गया। इजी तो यार बस करना, ये तो हो गया अपनी अमन के पास। चलो लेट्स गो। चले आ रहे हो मिस्टर? ठीक नहीं किया, वापस आ गए। वापस चला रहा हूं। लेकिन थोड़ी देर बाद। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ा तो चोर चोर का शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को जगा दूंगी। छुड़ाऊंगा नहीं, ढक के ले जाऊंगा। जाओ शोर, जगा दो सबको। आलिया पुत्र, ये किसकी आवाज थी? वो अब्बू। आलिया पुत्र कौन था ये? वैसे वो जुनेद भाई थे, बस अभी अभी गए। जुनेद? हाँ, वो कोच से पैसे मिल गए ना उनको, तो कह रहे थे कि आपको दे दूं। चलिए, उसे कहती एक बारी मेरे सीने तो लग के जाता। जब पुत्र कमाने लग जाए ना तो वो यार बन जाता है। आप सो रहे थे ना, इसलिए चले गए। देखा लिया पुत्र,
हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, वरना मुझे क्या तकलीफ है कि वो अपने ख्वाब पूरे करे, वो क्रिकेट खेले, जो मर्जी करे, पर अपने जोगा तो हो जाए ना। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अबू। खुश रहो मेरा पुत्र, बहुत राहत होगी पुत्र, जा सो, जा सो। हाँ ओके। ओए उठो, पहुंचो लॉकर रूम में सारे के सारे। पड़े उठ के लॉकर रूम में पहुंचो, मौत के फरिश्ते की कॉल आई है तुम्हारे लिए। उठो पहुंचो वहां पे। लॉकर रूम में सारे पहुंचे अभी इसी वक्त। इख्तियार अली की एकेडमी में चोरी हुई, मेरी नाक के नीचे। जॉन के पैसे निकाले किसी ने। सर यहां पे कौन पैसे चोरी कर सकता है? जिन ले गए आके पैसे इधर से, तुम में से कोई है ना? मेरे ख्याल से जिसने भी पैसे चुराए होंगे वो हमारे बीच में तो होगा नहीं इस वक्त, वो कहीं बाहर घूम फिर रहा होगा, गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। कौन सा वाला नहीं है इधर? सर जी वो अकबर नजर नहीं आ रहा। हाँ जी बात का चूती है वो। वो पैसे क्यों चुराए? सर वो इधर सब में से ज्यादा उसी को जरूरत है तो वही चुराएगा ना सर। सर स्पीक ऑफ द डेविल, लुक हूज हियर। जी सर। अपने नाम का मानी पता तुझे? बड़ा अकबर, पर हरकत तूने चुआनी वाली कर दी। मैं समझा नहीं सर। जॉन के पैसे चोरी करते हुए जरा शर्म नहीं आई तुझे? सर मैंने नहीं जॉन के पैसे चोरी किए सर, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ सर, आप कुछ है, कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे कह रहा हूँ मुझे गलत फहमी हुई है। आज से पहले इख्तियार अली की एकेडमी में ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। तू आया तेरे बाद मेरी एकेडमी में चोरियां शुरू हो गई। एक लफ्ज ना सुनू मैं और। शराफत से जहां से पैसे उठाए उसके पैसे वापस पे रख दे। ये मामला फौरन खुद हल कर लो। ये बात इंक्वायरी तक चली गई ना तो सब फंस हो गए, समझ लगी? यहाँ तो आ जाओ सर अपने अपने कमरों में। यार बॉयज मैं सोच रहा था
तुम लोगों को लगता है कि क्या जुनैद को वापस लाने की कोशिश में हमने जॉन के साथ जाती कर दी? सम डीप शिट ब्रो। ब्रो, जुनैद अगर वापस ना आता तो बॉलिंग कौन कराते? आपके वालिद साहब, और चूंकि वो मैं हूं न्यूज फ्लैश, मुझे बॉलिंग नहीं आती। इसने जो भी किया फिट किया। यार मजाक अपनी जगह, लेकिन उसकी अम्मी बीमार हैं, उनकी सर्जरी होने वाली है, वो इसलिए अपने पैसे जमा कर रहा था। सोहेल, तेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं है तो प्लीज कोशिश भी ना किया कर इस्तेमाल करने की, सिर्फ अपनी गेम पे फोकस कर। ओके यार, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमें जॉन के बैग से पैसे निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। इतने से पैसे थे, हम तीनों में से कोई भी बहुत आसानी से दे सकता था। सोहेल, इट्स कॉल्ड डिवाइड एंड रूल। ओके, लुक एट व्हाट्स हैपनिंग। जुनैद खुश है? यस। कैप्टन हमजा खुश है? ओ यस। जुनैद इज बैक इन द टीम, और वो अकबर, उसका भी पत्ता कट गया। और क्या चाहिए? इसको बोलते हैं एक तीर से वो क्या होता है, तो शिकार। इसमें तीनों हैं। यार हैव अ हार्ट, जॉन भी हमारा जैसा। यार तुम ना बहुत इमोशनल इंसान हो, तुम यहां से जाओ। तू जा, बल्कि तू जाके जा, जस्ट लीव मी अलोन। जहांगीर, छुप छुप के हमारी बातें सुन रहा रिजर्व। तूने अच्छा नहीं किया, तू सिर्फ किसी के पैहों के साथ नहीं, किसी की जान के साथ ही खेल रहा। मैं कोच को जाके सब सच बता रहा हूं। जा, जा और कोच को जाके सब सच बता, और मुझे बताए कि आगे से कोच कहता क्या है। Boys? तीन नुक्ते तुझे मेरे मत्थे पे नजर आ रहे हैं, तू खुद चूतिया है। लेकिन सर मैंने उनको खुद सुना है, जहांगीर अपने मुंह से बोल रहा था कि साला। तेरे कहने का ये मतलब है कि एक अरबपति बाप का करोड़पति बेटा जॉन के 30,000 रुपए चोरी करके ले गया, और तू हाजियाबाद का टट पूंजिया सड़क छाप, तू बेकसूर है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ के अलावा तू इस वक्त और कुछ नहीं बोल रहा बेटे। एक तू टैलेंटेड भी है और मेहनती भी, और अभी आगे तेरा बड़ा लंबा फ्यूचर पड़ा है। आराम से तवज्जो दे अपने काम पे। ये बात यहां से बाहर निकली तो तेरा कैरियर तो बढ़ेगा ही, हम भी मिट्टी में मिल जाएंगे। चुप चुप ही था, जहां से पैसे लिए थे वहां पे वापस रखकर किस्सा मुका। फॉलो की है मेरी बात के नहीं? जी सर, ठीक। मैंने तेरे पैसे नहीं चुराए जान, लेकिन ये मैं तुझे लिख के दे रहा हूं कि मैं तेरा 1-1 रुपया तुझे वापस लौटाऊंगा, क्योंकि माएं सबकी सांझी होती हैं। बस थोड़ा टाइम दे दे यार। सो रहा तू भी, आराम कर ले थोड़ा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम राजू भैया, अकबर बात कर रहा हूँ। सर की हाल चाल है? बस सर सब सेट सेट सेट, बस अल्लाह दी सपोर्ट। और राजू भैया आपसे बात करनी थी एक ज़रूरी। आपने बोला था ना कि कभी पैरों की ज़रूरत पड़े तो आपको। हाँ जी 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 जी, मुझे मंजूर है सर। मैं सिर्फ दो मैच खेलूँगा लेकिन दोनों कन्फर्म जिताऊँगा, और फीस होगी 20,000 रुपया। अगर मंजूर है आपको तो डील डन करें। डन 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 डन, ठीक है ठीक है, मैं फिर आपको कल मिलता। और अर्ज भैया यार प्लीज़ किसी को बताइएगा मैं। हाँ डन डन, मैं तानू कल मिलना। चल कोच। हाँ वो अगला जुमा ऑफ चाहिए था कोच। क्यों? थोड़ा काम था सर। तुझे क्या काम? वो जॉन के पैसे है ना सर, वो यहाँ तकिए के नीचे थोड़ी रखे हैं, वो जाऊँगा तो लेके आऊँगा। जल्दी करें काम वरना। नहीं नहीं सर, आखिरी मौका दे दें, आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। मैं आ सुनूँ सर। थैंक यू सर। जब आगे जरूरत पड़े तो आ जाना मेरे पास। इख्तियार अली तुझे खिलाए ना खिलाए, हमारे दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। ये ले पूरे 30,000 हैं, 10 तो अपने ऊपर भी निकल आए हैं। कैसे? वो तो छोड़ दे, वो मेरी टेंशन है। मैंने तुझे कहा था ना, मैंने तेरे पैसे नहीं चोरी किए और वापस भी ला कर दिए हैं। और हाँ, चोर बनकर नहीं भाई बनकर दे रहा हूँ, रख ले। क्या है ये? मुझे क्या पता कोच क्या है। चुतिया बना रहा है मुझे। गली के लौंडों के साथ क्रिकेट खेल रहा है राजू की तरफ, मेरी टीम की किट पहन के।
कोच है। एक मुझे अच्छी तरह पता है तुझे पैसे की जरूरत नहीं है, इसलिए तुझे मार्जिन दे रहा हूं। लेकिन ऐसी हरकतों से तू खुद भी फंसेगा और मुझे भी मरवाएगा। और अगर आइंदा कोई ऐसी चवल मारी तो याद रखी, मैं किसी भी वक्त तुझे टीम से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन कोच ये मैं नहीं हूं। तो कौन है, भूत है तेरा? भूत तो नहीं है, लेकिन कोई भूतनी का है जो कि मेरी शर्ट पहन के जाके गली में क्रिकेट खेल रहा है। आप टेंशन ना ले, मैं देखता हूँ। देखना दुखना नहीं है, कहा है ना, बस आइंदा ऐसी चवले ना मारी। रुक रिजर्व, तमीज से बात करे। तमीज ले ले तू अपने अंदर। मेरी तरह बनना चाहता है तू, जहांगीर अहमद की तरह? और मैं यहाँ तेरी तरह किसी और की तरह नहीं बनने आया हूँ, अपना नाम कमाने आया हूँ। बातें करता है तो दो नंबरियाँ छोड़ना। हीरो मेरी शर्ट पहन के जाके क्रिकेट खेलता है पैसे कमाने के लिए, और कितना तू गिर सकता है? अपनी तरह मेरा नाम ना डुबाई। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा नाम तेरी वजह से गिरा तो मैं तुझे क्या कर लेगा? बोल ना भुजरी, क्या कर लेगा? बेटा मेरे से पंगा लेना ना, तो अगले को सीधा भी करना था मुझे। मुझे अपना काम करना था और तू अपने फंकारियां लगाता रहा, वरना अगर लड़ना है तो आ जा। हाँ ना, देख अकबर, तुझमें और मुझमें जमीन आसमान का फर्क है, ये फर्क कभी भूली ना। सही कह रहे तू, बहुत फर्क है हम दोनों में। तू दो शहरों से चुराता है, मैं कमा कर उन पर लगाता हूँ। वड्डे प्यो दी छुट्टी होना। फौलादों सा रख हौसला, हर मुश्किल से लड़के दिखा। फौलादों सा रख हौसला। भाई आप फजियाबाजी के लड़के हो ना? जी अकबर अली। और अभी शाहीन में भी सिलेक्ट हुए हो? जी। अच्छा खेलते हो, देखा है मैंने तुम्हें बैटिंग करते हुए। थैंक यू कमरान भाई। लेकिन अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सिर्फ अच्छी बैटिंग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ अच्छे टैलेंट से काम चलता होता तो मुझ जैसे नाकाम क्रिकेटर हम मोहल्ले में ना फिर रहे होते। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं कमरान भाई? क्योंकि मुझे तुम में अपना आप दिखता है। से क्या चाहते हैं आप? Nothing. लेकिन अभी इस गेम को तुमसे और तुम्हें इस गेम से बहुत कुछ चाहिए। हमारे जैसे लोगों को इतनी आसानी से मौका नहीं मिलता, इसलिए वेस्ट मत करना इसे। और अगर कभी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना मुझसे, मैं इसी ग्राउंड में होता हूँ। रख हौसला, हर मुश्किल से लड़के दिखा। फौलादों सा रख हौसला, हिम्मत जो दहू में होगी मंजिल खुद ही मिलेगी। चल ख्वाबों की छत पे चढ़ के।